अस्सलाम वालेकुम जाफर भुटिया, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर 2, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते हैं। VOID, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फिर कानूनी तौर पर जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ऐसे जो सब्सिक्वेंटली आपको जाकर पता चले कि ये वैलिड नहीं है, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप कानूनी तौर पर कोई वैल्यू आपकी नहीं मिलेगी। लिहाजा ये इसके फीचर्स क्या हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, इसी लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन रिवर्स डेफिनेशन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस की थी, an agreement which is enforceable at law is a valid contract. So, इसको reverse कर देंगे, an agreement which is not enforceable at law is a void contract. ऐसा contract जो कि कानूनी तौर पर नाफिज़ुल अमल नहीं होगा, void contract कहलाएगा। इसमें subsequently circumstances आ जाते हैं कि आपको बाद में पता चले कि ये valid contract नहीं था, और ये totally reverse अगर इसको कर दें valid contract को, ये void contract बनेगा। अब इसमें हमारा जो है consent जो है वो बिल्कुल नहीं है, जो एसेंशियल इसका है नॉट अ बिल्कुल कंसेंट, यानी जो पार्टी की राय है, जो उनकी मुतफक्का तौर पर जो उसको किया गया है, वो आपका जो है वो कंसेंट फ्री नहीं था, वो मबनी था कोर्शन के ऊपर, फ्रॉडुलेंट के ऊपर, मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर, अनसाउंड माइंडनेस के ऊपर, और द माइनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस करता था, जिसकी वजह से वो आपका वॉइड हो गया। अब आने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट आपने वैलिडिटी के साथ किया और उसको अगर बकायदा टाइम पर फुलफिल नहीं किया गया, जब आप मुआहदा करते हैं उसमें तारीख जो है वो मेंशन की जाती है कि मैं अगर आपको ये कार ये एक कार बी को सेल करनी है, वो बी को सेल करता है और उसमें ये लिखा जाएगा कि ये 800 सीसी इंजन है इसका, और इसमें जो इसकी प्राइस है वो 6 लाख रुपया है, और मैं 2 लाख रुपया एडवांस दूंगा, बाकी जो 4 लाख रुपया है वो मैं अगले 4 माह में या 5 माह में या 6 माह में वो अदा करूँगा। जब आप किसी बैंक के साथ लीजिंग का एग्रीमेंट करते हैं उसकी भी शरायत यही होती हैं, और इसमें अब आपको बाद में पता चलता है ये जो आपका मुआहदा है ये आपने जिसके साथ किया है वो कानूनी तौर पर जो है वो रिलाय नहीं करता, वो बंदा माइनर है जो 18 साल से नॉट अटेन्ड ऑफ द एज ऑफ द पबर्टी, जो कि मेजॉरिटी की एज है वो 18 साल है पाकिस्तान के कवानीन के तहत और हिंदुस्तान के कवानीन के तहत, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बिल ऑन टाइम फुलफिल नहीं होता, वॉइड हो जाएगा। आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो लॉफुल नहीं है, जिसकी जो मामला है वो गैर कानूनी तौर पर, आपने कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी है और वो प्रॉपर्टी प्लेज के ऊपर है तो वो प्लेज वाली प्रॉपर्टी ना सेल की जा सकती है ना परचेज की जा सकती है, आपको बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी प्लेज पे है, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। और उसके अलावा जो एग्जांपल आपको मैंने जो एसेंशियल थे उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी था, जो ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी खास शरायत है जो कि अगर आप वो पूरी नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, आपको कोई जबर करा, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, आपको मैंने जो कार दिखाई है वो कार थी टोयोटा करोला, जो मैंने आपको दी है वो सुजुकी मार्गला दी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और उसकी कानूनी तौर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ क्या रेमेडी इख्तियार की जाएगी वो विल डिस्कस अनदर लेक्चर। इसके साथ ही हमारा जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट को इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा टॉपिक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर 2, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। VOID, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कानूनी तौर पर कोई वैल्यू ना हो, ऐसे जो सब्सिक्वेंटली आपको जाकर पता चले कि ये वैलिड नहीं है, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप कानूनी तौर पर कोई वैल्यू आपकी नहीं मिलेगी। लिहाजा ये फीचर क्या है, से वर्क करता है, इसी लेक्चर में हम आप डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं।
सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन वर्ड डेफिनेशन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल और लॉ इज वैलिड। सो इस कन्वर्ट कर देंगे एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल और लॉ इज ए वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होगा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सब्सिक्वेंटली सरकमस्टेंसेस आ जाते हैं कि आपको बाद में पता चले कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये टोटली रिवर्स अगर इसको कर दें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब इसमें हमारा जो है कॉन्सेंट जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो एसेंशियल इसका है नॉट अ बिल्कुल कॉन्सेंट, यानी जो पार्टीज की राय है जो पक्का तौर पर जो उसको किया गया है वो आपका जो है वो कॉन्सेंट नहीं था, वो मबनी था कोएर्शन के ऊपर, फ्रॉडुलेंट के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, अनसाउंड माइंडनेस के ऊपर और द माइनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये सकता था, इसकी वजह से वो आपका वॉइड हो गया। अब आने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट आपने वैलिडिटी के साथ किया और उसको अगर बकायदा टाइम पर फिल नहीं किया गया तो आप ऐसा करते हैं उसको तारीख जो है वो मैंशन की जाती है कि मैं अगर आपको ये कार देने एक कार को सेल करनी है वो चीज को सेल करता है और उसमें ये लिखा जाएगा कि ये आर्ट है इसका और इसमें जो इसकी प्राइस है वो 6 लाख रुपया है और मैं 2 लाख रुपये एडवांस दूंगा, 2 लाख से 4 लाख रुपया है जो मैं अगले 4 माह में या 5 माह में या 6 माह में वो अदा करूँगा। जब आप किसी बैंक के साथ डीलिंग और एग्रीमेंट करते हैं उसकी भी शरायत यही होती हैं और इसमें अब आपको बाद में पता चलता है ये जो आपका मुआहदा है ये आपने जिसके साथ किया है वो कानूनी तौर पर जो है वो रिलाय नहीं करता, वो बंदा माइनर है, वो 18 साल से नॉट द एज ऑफ द एज ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि मेजॉरिटी की एज है वो 18 साल है पाकिस्तान के कवानीन के तहत, हिंदुस्तान के कवानीन के तहत वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो फिर ऑन टाइम फुलफिल नहीं होता वॉइड हो जाएगा। आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो लॉफुल नहीं है, जो मामला है वो गैर कानूनी तौर पर आपने कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी है और वो प्रॉपर्टी प्लेज के ऊपर है तो वो प्लेज वाली प्रॉपर्टी ना सेल की जा सकती है ना परचेज की जा सकती है, आपको बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी प्लेज पे है तब कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। और उसके अलावा जो एग्जांपल आपको मैंने उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जो था जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें खास जरायत है क्योंकि अगर आप वो कभी नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई जबर करा कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, आपको मैंने जो कार दिखाई है वो कार टोयोटा करोला जो मैंने आपको दी है वो सुजुकी मार्गला दी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और उसकी कानूनी तौर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ क्या रेमेडी इख्तियार की जाएगी वी विल डिस्कस इन अदर लेक्चर। के साथ ही हमारा जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो इख्तिताम पसीर होता है। अपने मुबीन जाफर भट्टिया को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना मुख्तर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।